मेरे पीछे बोल इस स्कैंडल पे हाथ रख के कि मैं शपथ लेती हूँ चिंगारी संगठन के प्रति हमेशा निष्ठावान रहूंगी। हम शपथ लेते हैं, मैं एसआई करिश्मा सिंह ये शपथ लेती हूँ कि हम चिंगारी संगठन के प्रति हमेशा निष्ठावान रहेंगे, कि भारतीय पुलिस के आदर्शों के प्रति मैं सच्ची निष्ठा और श्रद्धा रखूंगी जो विधि द्वारा स्थापित है। चिंगारी संगठन के साथ कभी कोई विश्वासघात नहीं करेगी। चिंगारी संगठन के साथ कभी कोई विश्वासघात नहीं करेंगे तथा भारत की सार्वभौमिकता और सत्य निष्ठा बना के रखूंगी। कर्तव्य से ऊपर कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। कर्तव्य से ऊपर कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। अन्याय पर न्याय की आरी, अन्याय पर न्याय की आरी, अन्याय पर न्याय की आरी, अन्याय पर न्याय की आरी। सही कहा शिवानी, कर्तव्य से बड़ा कुछ नहीं, कोई नहीं। और हमारा कर्तव्य सिर्फ और सिर्फ हमारी खाकी के लिए है, हमारी वर्दी के लिए है। कसम खाते हैं, जब तक तुम्हारे चिंगारी गैंग का समूल नाश नहीं कर देंगे, इसका नामो निशान नहीं मिटा देंगे, हम चैन का सांस नहीं लेंगे, भले ही इसके लिए हमें हमारी जान क्यों ना देनी पड़े। अन्याय पर न्याय की आरी, हम हैं चिंगारी। वेलकम टू द चिंगारी फैमिली करिश्मा सिंह। शिवानी भोली है, नादान है, अब भी दोस्त और दुश्मन का फर्क समझने की सलाहियत नहीं है उसमें। हमने बहुत मौसम देखे हैं करिश्मा सिंह, ये मरून रंग पहन के तू शिवानी का यकीन जीत सकती है, हमारा नहीं। तू हम में से कभी भी नहीं हो सकती करिश्मा सिंह। कर ले जितने नाटक करने हैं उतने, बहुत जल्द अगर मैंने तने यहां से बाहर ना निकाला ना, तुम्हारा नाम भी बिन्नी नहीं। बाहर होगी तुम दोनों यहां से, शिवानी खुद ऐसा कहेगी, ये करिश्मा सिंह का वादा है। विश्वास नहीं हो रहा है। मां कसम मैंने बनाई है। अरे उदबिलाव, हम तुम्हारा बात नहीं कर रहे हैं, हम अपना बात कर रहे हैं कि हमको अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा है कि इतना भारी मिस्टेक हम कैसे कर सकते हैं यार। तो पहले बैकग्राउंड का पता कर लेना चाहिए था ना, बिना देखे सिंह लेके कहीं पे भी ऐसे घुस जाओगे तो खोपड़ा तो फूटेगा ना। एकदम बात सही बोल रहे हो, वैसे तो मुंह से गोबर ही फेंकता है तुम, लेकिन ये बात तुम सही बोला है। एक बार हमको ना एक आदमी का बात मानना बिल्कुल भी नहीं चाहिए था, उसी का बात के चक्कर में फंस कर पता नहीं हम क्या क्या कर लिए यार। बाप रे, पहली बार अपना जिंदगी में पहली बार देखे एक केकड़ा को मगरमच्छ टांगे हुए। चिड़िया घर से जानवर चुराने का हरकत किसी ने शुरू कर दिया। ये सब छोड़, हमको एक बात बताओ, तुमको पता है हमारी जिंदगी में कितना भूचाल आया, बवाल मच गया तुम्हारे चक्कर में? निठल्ले तुम, गुस्सा हो, गुस्सा हो, छोड़ दो। टेल हिम, टेल हिम, टेल हिम।
गुस्सा है क्योंकि लड़की ने रिजेक्ट कर दिया होगा। मैंने कहा था ड्यू मार के जाना, ड्यू मार के नहीं गए होगे, शाहरुख खान की तरह बाहें फैलाओगे और फिर बदबू फैली और लड़की भाग गई। बस कर रे, शमशान का खोपड़ी में उबलता हुआ चावल। तुमको पता भी जो लड़की तुम हमारे लिए चुना था फ्रेंडशिप के लिए, तुमको पता वो लड़की कौन है? लड़का निकली क्या? अरे ना रे, ना ना ना, बिल्कुल ना। चिंगारी गैंग की तीसरी मूर्ति निकली, वो बिन्नी है, चिंगारी गैंग वाली। बिन्नी? हाँ। चिंगारी गैंग वाली? हाँ। हे बाप रे, अमिता। I'm sorry, tell him, oh my God, वो जीरो फिगर वाली पहलवान। सोच अगर गलती से भी बात मैडम सर को पता चला तो क्या होगा? हमारा तो दिमाग खराब हो रहा, हमको तो तुमको बर्बाद करने का मन कर रहा है। मैडम सर को ये बात गलती से पता चल गया होगा तो रुकना तुम। अरे शांति से इधर आ जाओ। अरे क्या हो गया, ये कहाँ भाग कर गया अचानक से बिल्लू? हाँ मैडम सर वैसे ही। खैर वो सब छोड़, ये बताओ तुम्हारी डेट कैसी रही? बात कुछ आगे बढ़ी कि नहीं? कैसी लगी लड़की? नाम क्या बताया था तुमने लड़की का? बिन्नी। बिन्नी नहीं, कुछ अलग नाम था। बबीता। अरे पुष्पा जी, बिन्नी ही बबीता है और बबीता ही बिन्नी है। एक मिनट, मतलब बिन्नी मतलब वो चिंगारी गैंग वाली बिन्नी? वही मरिया के मानेगा क्या तुम दोनों लोग? चुप रहो ना, हम बतिया ले। मैडम सर, माँ कसम मैडम सर, हमको ना बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि बिन्नी ही बबीता है चाहे बबीता ही बिन्नी है। जैसे हमको पता चला कि वो बिन्नी है, बैक गियर मार के उल्टा पैर भागते हुए आए हैं, विश्वास कीजिए हमारा मैडम सर। सत्यानाश, मिले भी तो कौन, चलती फिरती मुसीबत। हमको तो लगता है जैसे हमारे और हमारे लल्ला के भाग फूट गए ना, वैसे ही तुम्हारे भी भाग फूट गए। देखो चीता, रिलैक्स, बिन्नी चिंगारी गैंग की मेंबर है, इसलिए हमें एतराज होगा तुम्हारे उसे डेट करने पर, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम अपनी जाती जिंदगी में ड्यूटी खत्म होने के बाद जो कुछ भी करते हो उससे ऑनेस्टली हमें कोई लेना देना नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। नहीं, आपकी वजह से बिल्कुल भी नहीं मैडम सर। अरे हमको खुद ही कटीला और जहरीली लड़की को डेट नहीं करना है। नहीं, अब सोचिए ना, ऑन ड्यूटी हो चाहे ऑफ ड्यूटी, हम हैं तो पुलिस वाले ना मैडम सर। और वो कौन है? वो ठहरी है क्रिमिनल। और पुलिस वाला और क्रिमिनल का जोड़ी कैसा लगेगा मैडम सर? क्या बात है चीते, आज फिर से तुम पहले वाले चीते की तरह बात कर रहे हो। हमें बहुत गर्व है तुम पे, लेकिन हम चाहते हैं कि ये रिश्ता आगे बढ़े। हमें लगता है तुम्हें बिन्नी को डेट करना चाहिए। मैडम सर, आप चाहती हैं कि हम फीमेल हाथगोला डेट करें? क्यों, इससे पहले भी तो ड्यूटी के लिए न जाने क्या क्या बने हो, तुम भी हम सब। इस बार बिन्नी के बॉयफ्रेंड बन जाओ। मैडम सर लेकिन देखो क्या है, अगर तुम बिन्नी से अपनी नजदीकियां बढ़ाते हो तो हमारे पास चिंगारी गैंग की इनसाइड इन्फॉर्मेशन होगी। वो क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी क्या प्लानिंग है, सब कुछ हमें पहले से ही पता होगा। और हमारे हिसाब से ये सबसे अच्छा मौका है चिंगारी गैंग को खत्म करने का। लेकिन मैडम सर ये जो देखो, हम समझते हैं चीता बहुत अच्छे से कि इस तरह ड्यूटी के लिए, मिशन के लिए किसी की फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ करना बहुत गलत है। और ये बात तुम भी जानते हो कि ये दर्द हमसे बेहतर और कोई नहीं जानता, क्योंकि फिलहाल हमारे लिए सबसे जरूरी है इस शहर का लॉ एंड ऑर्डर, जिसे चिंगारी गैंग ने मजाक बनाकर छोड़ दिया है। इस तरह से चलता रहा पुष्पा जी तो जंगल राज हो जाएगा। ताकतवर कमजोर पर जो है अपनी ताकत दिखाएंगे और उसे न्याय का नाम दे देंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए बिन्नी ही हमारे पास सबसे अच्छा तरीका है चिंगारी गैंग को खत्म करने का। सो प्लीज डू योर ड्यूटी। ड्यूटी के लिए हम कुछ भी करेंगे मैडम सर। गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। तयूसी का फोन। मत उठा, रख। ताई, उठाने देना। अरे नहीं बोला ना, जब तूने उसको कॉल किया था उठाया था कि उसने? हा? अब तू भी जरा अपने थोड़े तेवर दिखा ना।
ही होगी उसकी कुछ मजबूरी, उठाने देना। ना बोला ना मैंने, बस नहीं उठा रही है। फिर से एक बार लगाओ, कोशिश तो करो। हेलो, जरा जरा बैठ के बात करें इसे। हेलो, देखो क्या है कि हम ना तुम्हारा नाराजगी समझ सकते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि जो गलती एक बार हो गया उसको सुधारा ना जा सके। तो हम लोग दोबारा मिल सकते हैं, हम लोग आज मिल सकते हैं, तुम जब बोलो, जहां बोलो, जैसे बोलो, हम तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे। तो आज मिले? काट दी? क्या काट? हम कह रहे थे ना पुष्पा जी, वो मिलना ही नहीं चाहती है। भाव खा रही होगी। तुमने उसका फोन नहीं उठाया ना, इसलिए जानबूझकर तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव कर रही होगी। आप ये बात इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस से कैसे बोल सकती हैं कि भाव खा रही है इसीलिए फोन काटी है? अनुभव, तजुर्बा, एक्सपीरियंस। लल्ला के पापा, जब हम लल्ला के पापा से रूठते थे ना, अरे तो क्या कम नखरे दिखाते थे? हाँ, पूरा बदला लेते थे हम। उन्हें पता था रूठेंगे उनसे मौत झज्जू की आ जाएगी। झज्जू कौन है? झज्जू हमारे मोहल्ले का हलवाई। उन्हें पता था कि फिर हमें जब तक झज्जू की दुकान पर ले जाकर जी भर के हमारी मनपसंद जलेबी आना खिला दे, हम मानने वाले नहीं है। अरे इसी चक्कर में तो झज्जू की भर भर के कमाई होती थी। पुष्पा जी, ये तो हो गई आपकी फांदेबाजी। अब बताइए, जब आप सच में नाराज हो जाती थी तब कैसे मनाते थे? हाँ, वो अगर कुछ ऐसा रोमांटिक सा बहुत अच्छा सा लिख कर देते थे ना, फिर वो पढ़कर हमारा गुस्सा भाग जाता था, फिर हम झट से मान जाते थे। जब आप गुस्सा होती थी तो लल्ला के बाबूजी ऐसा क्या लिख दिया करते थे कि आप मान जाया करते थे, ताकि हम वही लिख दे कि वो मान जाए हमसे? क्या लिखे हम? अच्छा कुछ याद करते हम। राजमा के बिना चावल का कोई मजा नहीं। सुनिए मैडम सर, राजमा के बिना चावल का कोई मजा नहीं, चाय बिना पकौड़े खाने जैसी कोई सजा नहीं, रोटी के बिना तवा नहीं, और तुम्हें मनाने जैसा कोई मजा नहीं। बाप रे बाप, ये रोमांस है कि रसोईया के दिल का दर्द? पुष्पा जी क्या बता रही हैं आप? हमारे हिसाब से तुम्हें कुछ ऐसा लिखना चाहिए। क्या क्या मैडम सर? मेरी हस्ती तेरे इश्क की इबादत के सिवा और कुछ भी नहीं, लाख बेमिसाल है तेरी ये दुनिया बनाने वाले, लेकिन मेरे रूठे महबूब के रुखसार से खूबसूरत और कुछ भी नहीं। मैडम सर, सुनने में तो बहुत अच्छा लगा, मगर हमें समझ में कुछ नहीं आया। इसका मतलब भी आप लिख के दे दीजिए, क्योंकि क्या है फिर, वरना वो लड़की फोन में सर्च करेगी तो उसका वक्त बर्बाद हो जाएगा ना। क्या पुष्पा जी, सर्च करके जो समझना पड़े वो इश्क ही क्या? इश्क महसूस करने की चीज है, समझने की नहीं। बहुत बढ़िया मैडम सर, बहुत बढ़िया। हाँ जीते, तू लिख ले। हाँ, लिखते रहे। हाँ, लिखो। वो लड़की को अगर समझ में नहीं आएगा तो फोन करेगी वो, इसी बहाने बात तो आगे बढ़ेगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पुष्पा जी लिखते हैं। के लिखा है? अरे यू के लिखा है ताई? ला मैं पढ़ दूँ, दे मुझे। माशाल्लाह इस उम्र में ये गहराई, लड़का बड़ा जहीन है। इससे काबिल लड़का तुझे मिल ही नहीं सकता बिन्नी। इसे हाथ से मत जाने देना, जा जल्दी से टक मिल उससे, जा। सिमानी चीची ने पता चल गया तो? अरे उसे नहीं पता चलेगा, और मैं सब संभाल लूंगी, जा ना जल्दी तू। लव यू स्वीटहार्ट। उनकी मैया की सासू मेरी तो शिवानी के पीछे ये खिचड़ी पक रही है। बहुत बढ़िया, अब आएगा खेल में मजा। मैसेज आ गया, बोल रही है मिलते हैं। गुड, अब यही मौका है चिंगारी गैंग को खत्म करने का। आई आई आ गई, आ गई पुष्पा जी, आ गई। ओके ठीक है, तो आगे बढ़ो।
मैडम सर, मैडम सर, इन हमारा पर्सनल लेवल पर रिक्वेस्ट है, हमको ना कुछ भी बोलिए हम कर देंगे, बिना आवाज किए कर देंगे। मैडम सर, हम ना बिलौटा के साथ एक थाली में बैठ कर खा सकते हैं, बदनामों का सौ सौ चाय पी सकते हैं, सड़ा हुआ प्याज फूंक सकते हैं, नाली में लेकर नहा सकते हैं, लेकिन ये काम मैडम सर, ये काम बड़ा मुश्किल लग रहा है, हमको माफ कर दीजिए मैडम सर, हम नहीं हो पाएगा हमसे। चीते, चीता, जैसा कह रहे हैं वैसा करो, आगे बढ़ो, दैट्स एन ऑर्डर। ठीक है, ठीक है। योजिती, इस बार कॉल क्यों ना उठा रहा? अबे लसूड़े, तू फिर आ गया? तेरी तो हम ऐसा कहते हैं अकेली? चितेश्वर, चितेश्वर बैठी ना, बैठी। मैडम, बर्गर पुदीने की चटनी के साथ। जा यहां से। तो तने पहले से पता था जिसने तू डेट कर रहा है वो मैं हूं? तो तने पहले से पता था जिसने तू डेट कर रहा है वो मैं हूं? हाँ, मतलब हम तो पिछला मुलाकात में ही जान गए थे कि वो तुम हो, इसीलिए तो बिना सच बताए चुपचाप वापस चले गए थे। नहीं मतलब हम खुद ही झटका खा गए थे, तुमको कैसे बताते कि जिस चितेश्वर चतुर्वेदी से तुम मिलने आई हो वो और कोई नहीं, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु चीता चतुर्वेदी है। तो फिर आप क्यों वापस आया है तू? अरे आए कहाँ है, ढकेल दिए गए हैं। के? चीता, क्या कर रहे हो तुम, दिमाग ठीक है तुम्हारा? किसने जबरदस्ती ढकेल के भेजा है तने? मैडम कॉफी पे नहीं चाहिए। हाँ तो क्या बोल रहा था तू? मतलब हमारे दिल ने, नहीं मतलब हमारे दिमाग ने बहुत समझाया, सिखाया, रोका, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो सुन ले वो दिल कैसा, हो गया आउट ऑफ कंट्रोल, रोकने की कोशिश की रुका नहीं, आ गए हम। लेकिन ये बात भी है ना बन्नी कि रिश्ता जो होता है वो हम लोग नहीं बनाते हैं, ऊपर कहीं दूर कोई दूसरा बैठकर बनाता है, और हमको ना उस पर पूरा यकीन है वो ना हमारे लिए हमेशा बेस्ट चुनेगा। तो अगर वो तुमको चुना है तो ठीक है बन्नी। देखो जो है सो ये है कि तुम जैसी हो है ना, हमको स्वीकार हो, और हम भी आशा करते हैं कि हम जैसे हैं वैसे तुमको स्वीकार है। तो अगर तुमको भी हम स्वीकार हैं तो हम लोग यहीं पर बैठकर कॉफी ऑर्डर कर सकते हैं, नहीं तो तुम उठ के जा सकती हो, हम रोकेंगे नहीं तुमको। है बिन्नी तो जा रही है, मिशन तो फेल हो गया। तुमको भी हम स्वीकार हैं तो हम लोग यहीं पर बैठकर कॉफी ऑर्डर कर सकते हैं, नहीं तो तुम उठ के जा सकती हो, हम रोकेंगे नहीं तुमको। है कहीं और बैठे हैं आप, ठंड लग रही है, हमारे को एसी सर के ऊपर चल रहा है। ठीक है आइए,
का? आज थारे को देखा ना तो लग रहा है तू इतना बुरा भी ना दिखता है, अच्छा दिखता है और तारी स्माइल बहुत अच्छी है। तारीफ के लिए धन्यवाद, इतना बुरा नहीं दिखता है, लेकिन आपका ये लहरिया कट हेयर स्टाइल, आपका नथ, आपके कान का बाली, साड़ी, ब्लाउज बहुत फबता है तुम पर। और वो थारी हसीना मैडम, उसका के? उसका का मतलब? उसको तो ना बताया ना तने इस बारे में। बिन्नी, हसीना मलिक जो है वो हमारे सीनियर हैं, हमारी अभिभावक थोड़ी हैं कि हर चीज उनको बताना जरूरी है। ऐसा नहीं, बताए नहीं उनको हम। देख जीते, हसीना मैडम तेरी के लाग गया है के नहीं लाग गया है मारे को ना पता, पर मारे लिए ना मारी शिवानी जी सब कुछ है, मारी माँ बाप यो समझ ले। अब जो है ना बस वही है, हमने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया है, पर शिवानी जीजी और हमारे घर वाले इस रिश्ते को मानेंगे? मिन्नी, ये रिश्ता हम लोग मिलकर चुने हैं, तो तुम्हारी शिवानी ताई हो, हमारी मैडम सर हो या चाहे कोई भी हो, सबको ये रिश्ता मानना पड़ेगा। तुमको भरोसा है ना हम पर? मने थारे पे बहुत ज्यादा भरोसा है। एक दूसरे को जाने हुए ठीक से 20 मिनट भी नहीं हुआ है बिन्नी, इतना भरोसा कर रही हो हम पे तुम? देख जीते, ये दिल का खेल है, कभी कभी ना किसी को जानने के लिए पूरी उम्र कम पड़ जाती है और कभी कभी कोई एक पल में अपना हो जाता है। मेरा दिल कहता है चाहे कुछ भी हो जाए तू मने कभी धोखा ना देगा। मैडम सर, हम गलत तो नहीं कर रहे हैं ना? हम अभी फिलहाल मजबूर हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, कभी कभी सड़े हुए जख्मों को धोने के लिए तेजाब इस्तेमाल करना ही पड़ता है।